वंदे मातरम बच्चों, मैचिंग द फंक्शन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें हम जैसे हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी हमने दो तीन वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में हमने समझा है। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल के चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने समझे थे, ठीक है। और उसी के आगे का पार्ट आज हम करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को वो नहीं पता वो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसकी स्टडी करें ताकि आपको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने ये चार नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये जो चार पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको उसका बेसिक आइडिया एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आप इस वीडियो की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। आज का जो हमने आज के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, आर्टिकल लिए है, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शन। उसकी डेफिनेशन समझेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसके उसका एक सेंटेंस भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडवर्ब से, ठीक है। एडवर्ब की अगर हम डेफिनेशन को समझे तो डिस्क्राइब्स वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या करता है, जैसे एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन करता है वैसे नाउन को दर्शाता है, ठीक है। जैसे हमने बहुत डीप में समझा था कि भाई पेन है तो कैसे ब्लू है, ठीक है, मार्कर कैसा है ब्लू है, तो मार्कर तो नाउन है लेकिन ब्लू क्या है, उसका एडजेक्टिव है। उसी तरह यहाँ पे जो एडवर्ब है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या फिर वर्ब को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को या फिर अदर वर्ड्स एडवर्ब्स को। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए है, badly, fully, never, hardly, nearly, well, quickly, silently, very, really, almost, ठीक है। एक अगर छोटे से एक आइडिया अगर आपको देना चाहूँ कि बहुत सारे एडवर्ब्स तो है ही लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो ly लगे हुए ऑलमोस्ट एडवर्ब ही होते हैं, ये एक आप आइडिया याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में ly ही लगा होगा, ठीक है, लेकिन ly लगा होता होगा तो वो एडवर्ब ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने, रन्स क्विकली, इट्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पे देखिए ये जो रन है ये क्या है, ये वर्ब है हमारा, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। रन जो है ये वर्ब है। अब दौड़ता कैसा है, दौड़ना, पर कैसे, क्विकली, एकदम तेजी से, तो ये तेजी से, क्विकली ये क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ। रन्स क्विकली, दो तेजी से दौड़ना, ठीक है। ये जो रन, दौड़ने की जो क्रिया है, ये जो वर्ब है इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे दौड़ो, क्विकली दौड़ो, तो ये हमारा हुआ एडवर्ब। उसी तरह दूसरा है इट्स वेरी स्लोली, देखो इट्स वेरी स्लोली, क्रिया कौन सी, खाने की, ठीक है, खाने की क्रिया जो है वो हमारा वर्ब है, लेकिन खाने की क्रिया कैसे है, धीरे है, बहुत धीरे, तो वेरी स्लोली जो है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब होगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप वर्ब एडवर्ब पहचान सकते हैं कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करता हो या अदर एडजेक्टिव या अदर वर्ड्स को। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आर्टिकल। आर्टिकल की डेफिनेशन अगर हम समझे, दैट सिग्नल दैट नाउन इज गोइंग टू फॉलो, कि नाउन इसके बाद नाउन आएगा, ऐसा दर्शाता है, ठीक है। द, ए और एन, ये तीन नाउन आर्टिकल है, या बेसिक 8 स्टैंडर्ड से ही सीखे, ठीक है, 8 या 6 7 स्टैंडर्ड से ही आपको ये पता ही है कि ये तीन प्रकार के नाउन आर्टिकल होते हैं, ठीक है। उसमें से ए और एन का यूज कैसे करना है, द का यूज कैसे करना है, ये डिटेल में हम पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं द डॉग, द कैट। अब यहाँ पे जो कैट है और ये जो डॉग और कैट है ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है, लेकिन उसके पहले द क्या है हमारा, आर्टिकल। द क्या है, आर्टिकल, और ये क्या है, डॉग, नाउन, कैट भी क्या है, नाउन। क्लियर, तो आर्टिकल अगर आया तो उसके बाद मतलब नाउन उसके बाद आएगा, ठीक है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ए और एन आपको पता है, जैसे कि एन कहाँ आता है, एन आर्टिकल, ए ई आई ओ यू, ये जो पांच वॉवेल्स है इनके आगे एन आएगा और बाकी सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे ए आएगा, ठीक है।
और द जो मतलब एक में वस्तु है, अगर रिपीटेशन हुआ किसी चीज का तो ऐसे सारे नाउन के आगे क्या आता है, द आर्टिकल आता है। ठीक है, तो ये तो अलग एक थोड़ा अपना एक चैप्टर है आर्टिकल का, ये बहुत आगे आप पहले सीख चुके हैं। ओके, उसके आगे उसके बाद देखते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस एक दिया हुआ, अगर एक पूरा वाक्य दिया हो उसके अंदर जो अलग अलग वर्ड्स है, ठीक है, वाक्य शब्दों से बनता है, तो उन शब्दों के आपस का संबंध दर्शाता है प्रेपोजिशन। जैसे कि देखिए प्रेपोजिशन बहुत सारे, उसमें से कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए हैं, अबोव, बिफोर, इन, एक्सपेक्ट, फ्रॉम, एक्सेप्ट, फ्रॉम, नियर, ऑफ, सिंस, बिटवीन, अपॉन, विद, टू, एट, आफ्टर, ऑन, ठीक है, बिहाइंड, बिटवीन, अंडर, अबोव, ओवर, ऑन, अपॉन, ठीक है, बहुत सारे हैं, अलोंग विद। तो यहाँ पे ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू माई गार्डन, ठीक है, आई एम गोइंग टू माई गार्डन, यहाँ पे टू जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे गार्डन में जा रहा हूँ, ठीक है, प्रेपोजिशन या विद ऑब्जेक्ट हियर। ओके, टू टू क्या लगा है यहाँ पे, मेरा संबंध मेरे गार्डन के साथ कि भाई मैं गार्डन जा रहा हूँ, तो टू के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करके हमने इनको जोड़ा है। वैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो जैसे कि द पेन इज ऑन माई हैंड, द वाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी, ठीक है, द फैन इज अबोव माई हेड, ठीक है, ओवर माई हेड। फिर वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल, द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर, अबोव, ऑन, नियर, ये सारे क्या हुए, प्रेपोजिशन हुए। क्लियर, ओके फाइन। अगला देखते हैं कंजक्शंस। प्रेपोजिशन कंजक्शन इस पे हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, हमने इसका डिटेल में स्टडी किया है, तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिएगा। कंजक्शंस, कंजक्शन अगर देखिए, कंजक्शन क्या करता है, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेसेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस उसके अंदर जो अलग अलग वर्ड्स है, फ्रेसेस है, उनको जोड़ता है, या फिर अलग अलग जो सेंटेंसेस है उनको भी जोड़ता है। ठीक है, सेंटेंसेस को जोड़ना, क्लोजेस को जोड़ना या वर्ड्स को जोड़ना, अगर हमें एक क्रिया करनी है तो उसके लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ कंजक्शन हमने लिए हैं, जैसे कि एंड, और, बट, सो, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, आइदर, नाइदर, बिकॉज और सिंस। ठीक है, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी थी इसीलिए मैं सोने के लिए चली गई थी। ठीक है, तो ये इसीलिए, सो जो है, मैं थक चुकी थी, मैं सोने के लिए चली गई थी, दोनों अलग अलग वाक्य है, दोनों को जोड़ना है। मैं सोने के लिए क्यों चली गई, क्योंकि मैं थकी हुई थी इसीलिए मैं सोने के लिए चली गई। तो दोनों सेंटेंस में मैं थकी हुई थी इसलिए मैं सोने के लिए चली गई, तो सो जो है इस कंजक्शन का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है, वाक्य को जोड़ने के लिए। अगर इसको उल्टा करें, आई वेंट टू स्लीप बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं सोने के लिए चली गई थी क्योंकि मैं थकी हुई थी, तो हम कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज। क्लियर, अगर वाक्य को आप जैसे लिखते हो उसके अकॉर्डिंग आपका कंजक्शन भी आता है, फाइन। फिर अगला देखते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या करता है, एक्सक्लेमेशंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। किसी वाक्य के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी भी बात के प्रति आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, खुशी की, दुख की, आश्चर्य की, ठीक है, वो आप जिस तरह से दर्शाते हो, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उन्हें एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेशन के थ्रू जिन्हें आप प्रनाउंस करते हो, कहते हो, वो इंटरजेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिए है कुछ शब्द, आहा, गॉश, ग्रेट, हे, हाय, हुर्रे, ओ, उप्स, फ्यू, आउच, वेल। जैसे कि हम कहते हैं, उप्स, आई स्पिल्ड मिल्क, अरे दूध मैंने स्पिल कर दिया, ओ, ही वॉज लाइक दैट, वो ऐसा है, ओ, अलास, ही हैड एन एक्सीडेंट, अरे उसका एक्सीडेंट हुआ था, हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे वी वन द कॉम्पिटिशन, वाव व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस। तो ये वाव, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ठीक है, आ, ओ, ये सारे क्या है, ये इंटरजेक्शन है, जो पर्टिकुलर फीलिंग हम दर्शाते वक्त इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर जीत की, खुशी की फीलिंग है तो हम ओ, आ, वाव, वेरी नाइस, वेल, गुड, वेल डन, इन सारे इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। दुख है तो अलास, ऊप्स, ओ सो सैड, लाइक दैट।
ठीक है, तो इन सारे इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में होने वाली घटनाएं होती है, लेकिन हमें जब पढ़ाई करती है तब पता चलता है कि इन्हें क्या कहा जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि आपने कभी ओ आ ओच ऐसा कहा नहीं होगा, अगर कभी ठेस लगी होगी तो तुरंत आउच ओ ऐसा कहा ही होगा, लेकिन ये इंटरजेक्शन इन्हें कहते हैं लैंग्वेज में, ये अभी शायद आपको पता चला होगा। तो ठीक है, ये आज हमारे हुए एडवर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये डेफिनेशन विद एग्जांपल हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, लास्ट वीडियो में जो हमने 4 किए थे और आज ये जो 5 किए, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से स्टडी कीजिए, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल और इनके सेंटेंस अच्छे से करिए। और आपको होमवर्क में हर बार की तरह 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, 2 एग्जाम्पल करने हैं आपको। इस तरह से 2-2 एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाए हैं, वैसे और 2-2 एग्जाम्पल आप बनाइए। चाहे तो आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल में कुछ वर्ड्स लिए हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल बनाइए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने पढ़ा, जो भी डेफिनेशन आपने समझे, एग्जाम्पल आपने देखे, वो आपको समझ में आ गए हैं, तो आप उनके वाक्य खुद बना पाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वंदे मातरम।